जैसे कि जो पहले उन लोगों को नक्सलियों को जो गांव वाले जो सहयोग करते थे वो काफ़ी कम हो गया है, दहशत पैदा करके उनका वापस सहयोग जो है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ग्रामीण लोग समझ रहे हैं, काफ़ी लोग आप देखे होंगे कि मुख्य धारा में भी आ गए हैं और काफ़ी एरियाज में जो पुलिस का जो है प्रेजेंस जो है बढ़ गया है, वहाँ पर रोड्स के काम चल रहे हैं और जो इनके जो झांसे में से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए नक्सली काफ़ी बौखलाए हैं और इसीलिए ये लोग स्पाइक्स की प्लस आईडीज कंट्रोल आईडीज और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर जो अभी बरामद हुआ है इस इलाके में कोई माओवादी घटना को अंजाम देने वाले जो माओवादी पकड़ाया गया था जो इसमें लिप्त थे जो? देखिए पर्टिकुलर इस घटना में तो कोई इस तरह का कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन बहुत सारे नक्सलियों ने अभी काफ़ी समय से लगातार जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को पुलिस को जानकारी दे रहे हैं कि किस किस एरिया में इन्होंने स्पाइक्स लगाए हैं, किस एरिया में प्रेशर आईडी लगाए हैं, कहाँ पर इन्होंने आईडीज लगाई है, तो उनकी खबर के आधार पर जो है पुलिस उस एरिया में जो इस तरह की जो स्पाइक्स के जो गड्ढे बनाए उनको पुलिस वो आइडेंटिफाई कर लिया है और जब भी हमारे सुरक्षा बल उस तरफ जाते हैं तो उनको इस तरह की खबर दे दी जाती है कि पर्टिकुलर जगह पर इस तरह के गड्ढे इन्होंने बनाए हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो इनके साथ जो काफ़ी माओवादी जो थे सरेंडर करने से उनकी खबर के आधार पर ही जो पुलिस ऑपरेशन भी कर रही है, आप देखे होंगे कि अभी कल ही और जो है उसमें कांगेर घाटी वैली में जो वहाँ की जो प्लाटून नंबर 31 की जो ज्योति करके जो माओवादी जो कमांडर थी वो मारी गई थी, और ये पूरी खबर जो है उनके जो इनके माओवादी जो सरेंडर किए हैं और जो जो माओवादी जो इनके अंदरूनी जो बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उन्हीं से जो है खबर पुलिस को मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय माओवादी और जो बाहर के माओवादी उनमें काफ़ी झगड़े चल रहे हैं एक कमांडरशिप को लेकर के और आम आदमियों को। स्थानीय जो लोग हैं जो माओवादी हैं वो कभी कतई नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो इस तरह के जो गड्ढे बना रहे हैं या प्रेशर आईडीज बना रहे हैं या जो आईडी ब्लास्ट करते हैं, तो आईडी ब्लास्ट करने से कहीं ना कहीं जो स्थानीय माओवादी उनके ही रिश्तेदार हैं उस दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, और इसी घटना को लेकर के उनके बीच में एक तरह से काफ़ी जो है एक मनमुटाव है और वो इसलिए काफ़ी चीज़ें वो पुलिस को इस तरह की खबरें भी पुलिस तक पहुंच जाती है कि किस एरियाज में जो गड्ढे बनाए गए हैं कहाँ पर साइडीज बनाई गई है, तो कुल मिलाकर के ये कि जो स्थानीय माओवादी है वो भी जो है धीरे धीरे पुलिस के द्वारा जो